नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ और एक वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो शायद इस समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिनय सर ने ये मुद्दा उठाया है, आप सभी जानते हैं अभिनव मैथ्स वाला एडवांस से बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि बेरोज़गारी में जो NTPC RRB और SSC में जो धांधली इस समय चल रही है, आप NTPC और RRB की ही बात कर लेते, पिछले 2.5 साल हो गए एग्ज़ाम यानी फॉर्म भरा हुए पर उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और मुझे तो लग रहा था कि सरकार कराने के ही विचार में नहीं है। और उसी मुद्दे को लेकर के बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है और एक यूट्यूबर होते हुए और एक स्टूडेंट होते हुए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी इस वीडियो को आप तक मैं पहुँचाऊँ, जिससे आप इस वीडियो को देखें और इसको शेयर करें। और सही बोल रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अभिनय सर ने उठाया, ये उनकी पिक्चर्स हैं और इस वीडियो में जो इसके बाद मैं चलाने जा रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर देखिए और इसे शेयर करिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि 2.5 साल हो गए एग्ज़ाम नहीं आ रहा, SSC में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, इंजॉय करिए, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपसे और अभिनय सर की टीम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके कोई कॉपीराइट ना दे, मैं बस आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मान लो मैं अपने चैनल पे ये वीडियो चला रहा हूँ तो आपत्ति हो सकती है, तो कृपया करके कॉपीराइट मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बस आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उनकी टेक्निकल टीम से ये स्पेशली कह रहा हूँ, ठीक है, कि उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और ये मुद्दा युवा का है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हर एक स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी तक खड़ा रहा हूँ। अपनी वीडियोस को आपको शर्त किया है, जितनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकी है मैंने दी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है और जो सच में बहुत जेन्युइन है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ ये दिखाओ, चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना उनका सब, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब, रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है, मैं सच बता रहा हूँ। ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूँ कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी, आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है, मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे, वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई, अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से सुलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है, बट 2.5 करोड़ लोग RRB NTPC 40-50 लोग CGL ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं, 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर दिया रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव एक महीने में खत्म कर देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का, इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है बॉयकॉट मीडिया, आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे, आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने मां बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे, हम बताएंगे इनको इनकी जो TRP है ना वो हम ही ने बढ़ा दी, हमें ही मजा आता है उन बातों में और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है,
मुझे वो काम भी करना है, ठीक है, मैंने महीने में एक बार एक वीडियो बना दिया, दो वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते तो अब मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा। ये सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था, बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब जेईई और नीट की परीक्षा सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं कड़ाके रहेंगे, लड़ रहा है मीडिया उसके लिए क्योंकि सरकार चाहती है। तो मीडिया यहाँ पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले। मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी। तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे। हम जब मन की बात मोदी जी करेंगे उसको डिसलाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, हमें ये सब करना है। ये हमें ट्विटर पे कैंपेन चलाना है। और कौन सा न्यूज चैनल, क्या औकात रहेगी किसी न्यूज चैनल की, हमारे पास अपने कम चैनल है। हमारे एजुकेशन में वाईफाई स्टडी 10 मिलियन, स्टडी IQ 10 मिलियन के चैनल है, क्या ये चैनल नहीं है? इन पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। इन चैनल वालों को हम कहेंगे कि भाई आप हमारा मुद्दा उठाओ। भाई मुद्दा का, न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना। तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे UFM 2018 का केस लगा, ये वाला CHS वाला, तो नानी याद आ गई, तब दिखता है SSC गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी CGL देना है, सबको लगना होगा, आपके पिता मम्मी सबको, न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी। चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है SSC डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार, अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा भाइयात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया एक एक रुपया, आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो बताइए आप, मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दिया कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया, कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए। मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है, अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है, और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त है, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, युवा कैसे बढ़े। कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया, अब हम खुद करेंगे। हम यूट्यूब चैनल, किसी मीडिया चैनल पे हमें जाना ही नहीं है, कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना इनके यहाँ, इनकी औकात नहीं है। ये तो हमसे छोटे चैनल है, हमसे टुच्चे मुच्चे चैनल है, अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी TRP आ जाएगी, ये कर क्या रहे हैं। एक बात बताओ, अभी CBI का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहाँ है। जब ये 2017 वाला केस CGL का CBI में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये दो बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस, और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा, तब आप नहीं बोले बीच में। और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता, सब सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे। अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना, अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे, तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चलती है तो चलाते रहो, कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूं, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं मैं, आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे, चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो, एक वीडियो तो ट्रेंडिंग वन जानी ही चाहिए। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, मेरी सिर्फ आज गुजारिश यूट्यूबर से है, मीडिया चैनल्स को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनकी औकात मेरी नजर में कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं ऐसे 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 हाथ पर मारे, ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का तुम्हारा। वो अर्णब गोस्वामी को देखिए, जरा आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बौखला रहा हूं, आप देखिए इस आदमी को क्या करता है, ये आदमी कैसे बकता है। ये देख रहे हो आप, ये इसका स्तर है डिबेट करने का, ये एक न्यूज चैनल का स्तर होना चाहिए। ऐसे लोगों को घर बिठा देना चाहिए न्यूज चैनल वालों को, लेकिन उनको पता है कि जो ऐसे नाच करेगा उसी को लोग देखेंगे,
अब हमें देखना बंद करना है। किसने चढ़ाया आप मुझे बताइए, आज तक को नंबर एक किसने बनाया, इन चैनल्स को नंबर किसने बनाया? सरकार ने? सरकार के लोग तो 500-600 हैं, हम लोगों ने बनाया, इस जनता ने बनाया, सब लोगों ने इनको प्यार दिया तो आज ये यहां बैठे हैं। अगर आज हम ये हमें नहीं समझ रहे, चाहे आपका भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे भी आप ट्वीट कराओ, हमें ट्विटर पर भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, हमें यूट्यूब पर भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, और रुकना नहीं है एक महीने तक, हमें रुकना नहीं है। एसएससी चेयरमैन बात बात पर नोटिस डाल देते हैं कि कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, बताइए क्या मजाक बना के रखा हुआ है? कोविड की वजह से नीट हो सकता है? 23 लाख 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि इनको कोरोना नहीं होगा? आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते? कोई सिस्टम एग्जाम में नहीं है। अभी रेमो सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा बताया कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो, आपको लगता है हल्ला हो रहा है चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब सम्मित पात्रा जैसे दो दो कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो, क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्रा आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की, आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही है, बिल्कुल ही जीरो कौड़ी के लोग हो चुके हैं। सीधा सीधी सी बात है, पहुंचा देना इन तक भी ये वीडियो ताकि सुधर जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा इनको, जो ये कर्म कर रहे हैं, जो लोगों की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। अजीबो गरीब डिबेट चलती है, अजीबो गरीब डिबेट। मैंने तो 4 साल पहले टीवी देखना छोड़ दिया था, मैंने कहा अपना चैनल बनाएंगे वहीं से अपनी आवाज उठाएंगे, तो हम सबको अपनी आवाजें उठानी है इन एजुकेशनल चैनल के थ्रू। मैं वाईफाई स्टडी दिनेश हनुमान दोनों से गुजारिश करता हूं, वो भी इस पे वीडियो बनाए, जितने भी चैनल बड़े बड़े हैं विजार साहब राकेश यादव सर, ये इन चैनल पे वीडियो बनाए, इस मुद्दे पे वीडियो बनाए, ताकि किसी की वीडियो तो नंबर 1 ट्रेंडिंग हो, या सब मिलके भी अगर हो सकता है कि सारे टीचर बड़े बड़े जो मिलके आए जिनकी बात बच्चे मान सकते हैं, तभी ये कैंपेन हमारा सफल हो सकता है। बहुत करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा कैंपेन के लिए। हम पूरी एक बात बताओ, विनोद इतना फेमस हो सकता है जिसको मीडिया वाले दिखा रहे, तो ये स्पीक अप रेलवे डिक्लेयर रिजल्ट ये फेमस नहीं हो सकता कि मीडिया की मजबूरी बन जाए? बताओ आप, इसको भी हम इस कदर फेमस कर देंगे, मीडिया हमसे बोलेगी अब आप आके इंटरव्यू दो, अपनी समस्याएं बताओ। क्या पहले नहीं होता था? पहले लोग आंदोलन नहीं करते थे, सरकार नहीं पूछती थी आपकी समस्या क्या है? अरे प्रजा को सरकार से दिक्कत हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, सरकार का फर्ज बनता है कि वो पूछे कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। भगवान, आप राम राज्य की बात करते हो ना, भगवान राम ने तो प्रजा के कहने पे मां सीता को छोड़ दिया था, सिर्फ उन्होंने यही पता लगा था कि कोई ऐसे ऐसे उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो, जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति लोगों का जीना, मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछे अपने चैनल के थ्रू, करें तो करें क्या बताओ, बिना दुष्पार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो, तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए, बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट ना तो कभी एसएससी से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब 1,000-2,000 करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिलके खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब, यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मजे आ रहे हैं इनके तो, बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे, हो गया जीवन, बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। वैसे मोदी जी कहते हैं मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये कैंपेन हमें चलाना है, एक तो हमें ये 1 सितंबर को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चलाना है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो, क्यों नहीं दे रहे, बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं बताता, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैं समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी, एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां फीस भरता है, आपको पता कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में मां बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरह बढ़ना चाहिए था, चलिए मां बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले, आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए, ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था,
इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल पे, मुझे पता चला। और इन्होंने 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे तुमसे वापस कर देंगे। बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार? मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता क्या करेंगे, सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे, अब तो ठीक कर रहे। अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित कर दो, कि कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम, कोई कोर्स नहीं बेचेगा मीडिया वाला, एजुकेशन वाला, कोई भी कोर्स नहीं बेचेगा, कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, 5 दिन तक यही चलेगा।